हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और हम लोग सुबह सुबह गए थे मंदिर। उसके बाद हम लोगों ने घर में आया और घर में आकर भी पूजा करी हम लोगों ने। और आज मैंने पहनी है ये एक ब्लू कलर की साड़ी, आप लोग देख सकते हो, और ब्लू कलर की बिंदी भी है। और मैंने बाल को ऐसे पीछे बस एक रबड़ से ऐसे बंद कर लिया है। तो शायद कोई आए थे अभी, अब मुझे गेट को बंद करना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ऐसे बैठी हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लू कलर की साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर आज मेरा मन कर रहा था कि ब्लू में कुछ पहनूँ। थोड़ा सा पाउडर, एक्चुअली मैं पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं कोई क्रीम यूज़ करूँ ना करूँ, पर पाउडर कंपलसरी फॉर मी। मैंने पहले भी बताया है कि मैं जॉनसन्स का बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि साउंड पाउडर। और ये जो भी है ना, ये सारी स्वेटिंग्स है, पसीना है एक्चुअली ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप देखो कैसे पंखा एकदम स्पीड में चल रहा है, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी ऑलमोस्ट जो कुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, खाना मेरा बन चुका है। हाँ, 12:15 हाँ, मम्मी नहीं चाहिए तो एक्चुअली एक अंकल आए हुए थे। तो आज आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। और एक बात थी कि मैं जब सुबह मंदिर गई थी, सारे फ्रेंड्स लोग गए थे, मम्मी लोग भी सब गई थी, तो वहाँ से जाते वक्त मुझे और कुछ सामान भी लेना था जो कि मैं ले गई थी। उसमें से एक चीज़ था ये पाइप, ये नॉर्मली बेसिन में लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जब ले कर आई तब मुझे साइज़ लगा कि नहीं हो जाएगा, और लाने के बाद ये थोड़ा साइज़ में छोटा हो गया। तो फिर मुझे मैं जब एक्सचेंज करने गई तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अभी एक्सचेंज नहीं हो सकता, आपको फिर से कट करके नया लेना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर जाना पड़ा। तो दोबारा मेरा मन नहीं करा जाने का, तो मम्मी गई फिर से चेंज करने के लिए। तो अब मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, मेरे से स्लो नहीं बोला जाता। आई होप आप लोग मेरे वर्ड्स को समझ पाओगे। और मेरी थोड़ी हिंदी भी वीक है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज बंगाली में आ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करके समझ लेना। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। नॉर्मली मेरे पास कैमरा का जो स्टैंड ही है, तो वो उसको मैं सही से हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने ये आज पूरी ब्लू कलर की एक साड़ी पहनी हुई है, कुछ इस टाइप की। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्की है, तो अच्छा भी लगता है पहनने में, बहुत कम्फर्टेबल भी रहता है। और ये साड़ी कुछ ऐसी लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सारी कैसी लग रही। और हल्की होने की वजह से ये सही से थोड़ा पिनअप नहीं हो पाती, और थोड़ा सा भी अगर हवा चले तो ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगती है। इस टाइप की साड़ी है, पर बहुत कंफर्टेबल रहता है। और मैंने इसके साथ एक ब्लू कलर की मैचिंग बिंदी पहनी है, और मेरी वन ऑफ माई फेवरेट जो घड़ी है, वॉच वोम पहनी है मैंने। और ये एक, ये मैं रांची से लेके आई थी, वहाँ पर इस टाइप का जो बाला टाइप समथिंग तो बहुत फेमस होता है, तो एक दर्जन मैं लेके आई थी। तो कुछ बचे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ करती हूँ। और मैंने ये जो ब्लू कलर की बिंदी के साथ मैचिंग वो पहनी है। और फिलहाल मैं बाल नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हवा में और रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद मैं ज़रूर बाल खोलूँगी। अब घर के अंदर जाती हूँ, लाइट्स ऑफ कर लूँ, क्योंकि इस मंथ का हमारा जो बिल आया है वो है 3,970 rupees। मतलब कि ये एक महीने का बिल है, तो इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा बाल निकाल लिया है, पता नहीं कैसे लग रहे होंगे। और एक रीज़न है कि इस कलर की कोई ड्रेस नहीं है, सिर्फ मतलब बहुत कम ही साड़ी है, और इसकी मैचिंग में मेरे पास शायद कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तो इस वजह से मैंने गले में कुछ नहीं पहना, ऐसे खाली खाली सा भी ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा शायद पिंक कलर का कुछ है इसमें, तो मैंने ये ले लिया है इसमें। आई होप ये इसके साथ मैच कर रहा होगा। और जो मेरी सिस्टर है वो एक्चुअली लाइक पे कुछ शूट कर रही है, तो उसका डायलॉग है वो, जो पड्डी वाला एक डायलॉग है, पड्डी बीमार है, तो वो कार्टून जो आते हैं यूट्यूब में, तो उसी का कुछ शॉर्ट में डायलॉग है। तो वही हम लोग ऐसे मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट में आता है, तो हम लोग उसका कुछ एक वीडियो टाइप का बना के खुद से एक्टिंग करके उसको वैसे शूट करते हैं। तो आज ऐसे भी सब बैठे हुए हैं घर के, रिलैक्स होके सब बाहर से आए हैं, थोड़ा टायर्ड हो रहे हैं, तो घर पे पापा बैठे हुए हैं और इधर पे मम्मी है। मम्मी हाय बोलो, हाय बोलो,
तो ये है मम्मी जो हाय बोल रही है। आज मम्मी ने लिपस्टिक नहीं लगाया है। मम्मा तो मम्मी को मैं बार बार हड़बड़ कर रही हूँ कि मम्मी थोड़ा छत पे चलो थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। सो मम्मी बोल रही है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दो, पानी पीने दो, उसके बाद हम छत पे चलते हैं। और शायद आप लोगों को मेरी ये साड़ी पसंद आ रही है, पर मुझे ये साड़ी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही नाइस कलर है। तो मैं आ गई हूँ थोड़ा छत पे। मन कर रहा था कि छत पे आऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रिलैक्स करूँ छत पे आके सुबह से एक बार। अगर हम छत पे ना आए तो फिर कैसा लगता है। और थोड़ा बाल खोल लेती हूँ क्योंकि पूरे बाल मेरे, एज यू ऑल नो दैट कि मेरे बाल जो हैं हमेशा भींगे रहते हैं और आज बिल्कुल भी बिल्कुल ही ज़्यादा भींगे, बहुत ज़्यादा भींगे। और जैसा कि इस बिंदी में बहुत ज़्यादा गम नहीं है तो ये भी गिरने लगता है, बहुत टाइम ऐसे होता है। तो मैंने ये साड़ी पहनी है और मैं पहनी है तो बार बार इसको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं, शायद मैंने 3-4 बार आज के वीडियो में आपको बता दिया होगा कि मैंने ये साड़ी पहनी है, ये साड़ी पहनी है। और आई रियली लव टू एंजॉय माई सेल्फ जब मैंने ये साड़ी पहनी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और पीछे मेरी चादर है। और कपड़े सारे लेने हो गए और अब मैं जा रही हूँ, साथ में मम्मी भी है तो मम्मी ने वो कपड़े लिए हुए हैं। और इस साइड वो रहा खिड़की। पापा एक मूवी देख रहे हैं, बहुत इमोशनल सा एक गाना कोई बज रहा है। दुनिया में कितना कम है। खाना तो सारा बन चुका है, लाइक दाल चावल इधर पे बन चुका है और सारी सब्जी भी इधर पे जो ऑलमोस्ट बन के रखी हुई है। और कुछ है जो है यहाँ पे कल की सब्जी, क्योंकि कल हॉस्पिटल जाना है इस वजह से सारी सब्जी जो है। और मम्मी ने वो चेंज करने के लिए, तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब शाम को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बस थोड़ा लेट से बोल रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट अनुभव का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मुझे जल्दी से घर जाना है। और अभी 8:15 हो रहे हैं तो अभी मैं निकलती हूँ, आपसे बात करती हूँ। तो थोड़ा मैं नीचे आ गई और मम्मी के साथ हूँ और एक्चुअली हम किसी का वेट कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे है, एक आंटी आई कि उनसे मिलना है थोड़ा। और मेरी आज कुकिंग नहीं हुई है तो मुझे कुकिंग करना है। और एक बार फिर से आप सबको एक प्यारा सा गुड इवनिंग। तो अभी लगभग 8:30 बजने वाले और मेरी कुकिंग नहीं हुई है तो मैं कभी खाना बनाऊंगी। और क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो कुछ स्पेशल ही बनेगा। तो मैं जा रही हूँ घर। उठोगे मम्मी? हम जाए घर जाएंगे। तो तो अभी सब है मेरे साथ, एक सेकंड फ्लोर की ठाकुर माँ है और मम्मी है। वाह, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है लोगों से। बेटा नेटे देख बे YouTube पे आशे वीडियो का। अच्छा, अब खूब खा लो ये बोले ना देखो उपाय আছে। एकदम আচ্ছা তো খুলে গিয়েছিলাম তো মো মা। हां हां बोले प्रसाद दिए थे, बोले थे प्रसाद। ये जन्माष्टमी की जो हां कोई था हां कोई तो हां हां कर लो नवाचे गोपाल। हां 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 दे तो नारकेल लड्डू छे। नारकेल लड्डू खिचड़ी खाबी लोग के जो एक। हां खिचड़ी बोले हां खिचड़ी ना पुलाव। पुलाव আছে না? हां ये जो है जन्माष्टमी का प्रसाद दे रहे आई है मम्मी। हाय बोल दो। हाय। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे फ्लोर पे। तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद भी नहीं थी और मेरा अभी तक खाना नहीं बना है तो मुझे अभी खीर बनानी है और कचौड़ियाँ बनानी है। और पता नहीं कि जब भी मैं लिफ्ट में शूट करूँ तो मेरा वीडियो जो है वो शूट नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जा रही है। क्या पता
मेरे फोन को भूत उठते तो नहीं पकड़ लिया, पता कुछ नहीं है तो हो ही जाती है शूट। ट्राई करती हूँ उसको, मैं पहले सेव कर लूँगी। और मैं जा रही हूँ घर। उठोगे मम्मी? हम जाए घर जाएंगे तो चल। তো আমি সব হ্যাঁ মেয়ে সাথ এক সেকেন্ড ফ্লোর কি ঠাকুর মা হ্যাঁ মম্মি হ্যাঁ বাহ বহুত অচ্ছি বহুত প্যার করতি হ্যাঁ এটা নেটে দেখবেন ইউটিউবে আসে ভিডিওটা মেয়ে খাচ্ছে ঠিক আছে জন্মাষ্টমী কা প্রসাদ তো আব মে আগে হুম মেরে ফ্লোর পে তো জন্মাষ্টমী কাজ প্রসাদ নেই আর মে আবি তো খানা নেই বনা হ্যাঁ তো মুঝে আবি খীর বানানি হ্যাঁ কচৌড়িয়া বানানি হ্যাঁ। और पता नहीं क्यों जब भी मैं लिफ्ट में शूट कर रही हूँ तो मेरा वीडियो जो है वो शूट नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जा रही है। क्या पता मेरे फ़ोन को भूत उठते तो नहीं पकड़ लिया, पता कुछ नहीं है तो हो ही जाती है शूट। ट्राई करती हूँ उसको, मैं पहले सेव कर लूँगी। अब मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, और सारे कुशंस जो मेरे ऐसे उल्टे उल्टे करके रखे हुए हैं अभी सीधे हो गए। तो अब थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी और खाना बनाऊँगी। और अभी मैंने पहना है ये एक पंजाबी सूट, और तो दुपट्टा मैंने ऐसे पूरा करके लिया है, तो ये कुछ इस टाइप का है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले ये बोला था कि कैमरा स्टैंड ही नहीं होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये एक सूट है इस टाइप का, आप लोग देख पाओगे। तो इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये कुछ इस टाइप का है, और ये भी वन ऑफ माई फेवरेट दुपट्टा है। तो अब मैं जाऊंगी कुकिंग करूंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या खाना बनाया है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए और प्रसाद टाइप से कुछ देना पड़ता है, तो इस वजह से। तो चलिए मैं चलती हूँ और किचन में आप लोगों से मिलती हूँ। आप तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे अभी खीर बनानी है। तो ये रहा वो दूध, तो और ये रहा वो पैकेट वाला, ये मदर डेयरी का ब्रांड है। तो लगभग 2 किलो दूध है, तो इसे मैं थोड़ा सुखाऊंगी, मतलब कि उबाल के थोड़ा इसको कम, मतलब कि सुखा के थोड़ा कर लूँ, गाढ़ा कर लूँगी, और उसके बाद मैं खीर बनाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ गैस की तरफ और मुझे अभी ऐसे कुकिंग करनी है। तो ये रहा वो दूध, इसको पैकेट, दूध का पैकेट जिसको मैंने अभी कट कर लिया है, और अभी मैं इसे गैस, मतलब कि जो बर्तन चढ़ाया है उसमें मैं इसे डाल लूँगी। और ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है, और ये दूध बहुत टेस्टी भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ये। तो जैसा कि मैंने आप लोग का पहले भी बताया था कि ये एक जो एरिया है ये दो टाइप का है, तो इसके अंदर एक डस्टबिन हम लोग रखते हैं। नॉर्मली हर टाइम बाहर जाके कचरा फेंकना पॉसिबल नहीं होता, तो एक बंगाली में झूड़ी बोलते हैं, तो उस टाइप का हम लोग एक रखते हैं, एक डस्टबिन टाइप का वो होता है। तो सारा कचरा हम लोग नॉर्मली घर का जो सूखा कचरा होता है उसमें कलेक्ट करते हैं, और फिर जब फेंकना होता है तो उसको हम लोग वैसे फेंक देते हैं। और जो दूध है अब ऐसे फ़िलहाल गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने थोड़ा दुपट्टा हटा दिया। और मैं दिखाऊँ आपको कि मैंने ये कुछ इलायची ली हुई है, तो ये 4 पीसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इलायची देने से जो खीर की जो खुशबू होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और अच्छा लगता है खाने में, मतलब कि खीर का जो खुशबू है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ इलायची है इस टाइप की, तो इसको मैं जब दूध जब मैं उबालती हूँ तो उसके साथ मैं इसको भी दे देती हूँ, तो स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छी वाली की स्मेल आ जाती है इससे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने थोड़ा दुपट्टा हटा दिया। और मैं दिखाऊँ आपको कि मैंने ये कुछ इलायची ली हुई है, तो ये 4 पीसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो इलायची देने से जो खीर की जो खुशबू होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और अच्छा लगता है खाने में, मतलब कि खीर का जो खुशबू है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ इलायची है इस टाइप की, तो इसको मैं जब दूध जब मैं उबालती हूँ तो उसके साथ मैं इसको भी दे देती हूँ, तो स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छी वाली स्मेल आ जाती है इससे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी खीर बनाते हैं तो चावल को ऐसे हम लोग पहले या तो पानी में भिगो के रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि चावल बनाओ या खीर बनाओ तो थोड़ा जल्दी बन जाता है और खीर जो है उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा घी ऐड कर देते हैं, तो ये थोड़ा बंगाली स्टाइल का होता है। तो जब अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग चावल भी नहीं धोते हैं तो हम लोग ऐसे धो लेते हैं, तो उस टाइम थोड़ा घी से इसको ऐसे मतलब कि मिक्स कर लेते हैं चावल को, और तब हम लोग उसको वैसे दूध में डालते हैं। तो वो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि बंगाली वाली जो खीर होती है उसकी एक अलग टेस्ट होती है, तो वो पाइश उसको इसलिए बोला जाता है। तो वो एक मतलब कि तरीका है खीर को बनाने का। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग तेजपत्ता भी यूज करते हैं, तो मैंने वो यूज़ नहीं करा क्योंकि मैंने उसमें इलायची दे दी थी। तो बस ये जो चावल है, अब मैं चावल को उस पर डालूँगी। जो दूध है ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, तो फिलहाल मैं इसे स्पून से चम्मच से ही काम चला रही हूँ। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो और सामने कुछ ना मिल रहा तो जो मिल जाए उसे काम चला लेना चाहिए, तो वैसा ही किया मैंने अभी। तो मुझे थोड़ी सी भूख लग गई, इसका रीज़न ये है कि शाम को मैंने बस हल्का चाय नाश्ता ही करा था, तो अभी मुझे थोड़ी सी फील हुई कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए, तो मैं अभी खाऊँगी। तो खा ही रही थी तो मुझे शेयर भी करना था कि मैं क्या खा रही हूँ। तो इसमें एक्चुअली ये प्रसाद है, तो इसमें खीरा है, ये बंगाली प्रसाद है एक्चुअली। तो इसमें आलू जॉम, पुलाव, पोटल भाजा, पूड़ी, तो इस टाइप का कुछ सारा मिक्सअप रहता है। तो मैं खा ही रही थी तो मुझे लगा कि आप लोग साथ शेयर करना चाहिए कि मैं क्या खाती हूँ, मतलब कि कैसे खाती हूँ वो। तो मैंने अब खा लिया है, और मैंने क्या करा है कि मम्मी के लिए थोड़ा सा कटोरी में मैंने वो इलायची थी तो थोड़ा सा मैंने बिना चीनी वाला खीर वैसे ही निकाल लिया। इसमें मैं शुगर फ्री ऐड करूँगी क्योंकि मम्मी को हाई शुगर है, इस वजह से। कौन अनुभव है मम्मी, ले आओ लूडो, यहाँ ले आओ, तो मम्मी खेलेगी, बोलो। ओ तो मेरी मम्मी लोगों को लूडो खेलना है, वो लोग हर रोज़ खेलती हैं, तो आज मम्मी को नीचे जाना नहीं क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो बोल रही है कि उनको यहाँ जाने के लिए। और मम्मी का मैंने बिना चीनी वाला खीर ऐसे बस निकाल लिया है, और हमारा मेरी जो खीर है वो लगभग कंप्लीट है। तो अब मैं बस मैदा गूंदूंगी, और इसमें जो मैंने जो तेल दिखाया था बस वो तेल मैं इसमें रखती हूँ, और बस मैं मैदा गूंद के इसमें मैं बस कचौड़ियाँ बनाऊँगी। और मैदा गूंदूंगी तो मैंने क्या करा था, दोपहर को ये दाल है, तो मैंने क्या करा था कि दाल को मैंने सुबह ही बॉयल करके एक्चुअली ये दाल वाली कचौड़ी बनाऊंगी, तो बॉयल करके मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया, और मैंने इसमें मसाले के तौर पे बस जरा सा जीरा और सूखा मिर्च को मैंने हल्का तवे पे फ्राई कर लिया, तो पैन में मैंने जो भी मैंने फ्राई कर लिया उसको, और इसको हल्का सा मोटा मैंने दरदरा इसको मिक्सर में पीस लिया, और उसमें मैंने बस वही ऐड करा है और जरा सा नमक ऐड करा है मैंने, और इसको मैंने अच्छे से फिर मिक्स कर लिया। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि शाम को फिर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, वैसे भी अभी 9:30 बजने वाले हैं, तो ये सब मैं रेडी करके रख के गई थी। बस मुझे अभी आके गर्मा गर्म खीर बनानी थी, मैदा गूंद के मैं बस गर्मा गर्म कचौड़ियाँ ही फ्राई करूँगी, तो लगभग मेरा डिनर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो अब बस मुझे मैदा गूंदना है,
तो मैंने जो मैदा लिया हुआ था इसमें मैंने हल्का सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इससे इसको देखे जब मैं इसे गूंदूंगी तो एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो इससे कचौड़ियाँ जो होगी वो थोड़ी सी करारी और क्रंची टाइप की बनेंगी। और जो बैटर मैंने जो लिया है फिर उसको एक सूखा वाला चने की दाल वाली, तो उसको फिर मैं इसमें भर के छोटी छोटी लोइयाँ करके फिर उसका मैं छोटा छोटा कचौड़ी टाइप का बनाऊँगी, उसको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। और मेरे हाथों में ऐसे ये तेल और मैदा जो है वो लगा हुआ है, तो बस 2 मिनट लगेगी मुझे इसे गूंदने में और कुछ ही टाइम में ये गूंदकर रेडी हो जाएगा। और ये रहा वो मैदा, तो इसको मैंने लगभग ऐसे गूंद के कंप्लीट कर लिया है और बस मैं इसको भर करके फ्राई करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे मैंने इसमें इसको भर लिया है और इसको पूरा अच्छे से मैं इस तरह से इसको लॉक कर लूँगी कि जिससे कि इसके अंदर का जो इन्ग्रीडियंट है वो बाहर ना निकले, और फिर मैं इसको बेल लूँगी। तो तेल जो है गरम हो गया और ये मेरी फेवरेट वाली कढ़ाई है, नॉन स्टिक वाली है। इसका एक साइड का हैंडल जो है वो टूट गया है, पर क्या करूँ, यूज़ करना पड़ता है। और बस मैं इसमें ऐसे पूड़ियाँ जो है वो डाल रही हूँ और ये बोथ साइड से ऐसे रेड में हो गया है। और अभी ऐसे 2 पूड़ियाँ मेरे से फ्राई हो गई हैं, इसको मैंने लाइट ब्राउन में ऐसे फ्राई करके रखा है। ये रहा पापा के लिए डिनर, बस अब मैं पापा के लिए डिनर लेके जा रही हूँ। पापा के लिए, पापा अब डिनर करेंगे। और इधर भावा आई हुई है और बस हो ही चुका है मेरा ये, और बस ये हो ही चुका है, कुछ 2-4 ही बाकी है फ्राई करना, बस वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरी जो कुकिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और बाल मतलब कि मैंने खोल लिए अभी, क्योंकि बहुत देर से बंद करके रखे थे तो सिर में ना दर्द होने लगता है। बहुत देर तक आप बाल को बंद करके भी नहीं रख पाओगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप बाल को खुला भी नहीं रख पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और अभी लगभग 11:15 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी, तो थोड़ी देर में अब मैं भी जाऊँगी डिनर करने के लिए। पापा ने डिनर कर लिया है, बस मुझे चेंज करना है, थोड़ा फ्रेश होना है, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। तो चलिए मैं आज का मेरा ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास वैसे कैमरा हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है और तो इस वजह से एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे सब कुछ कैसे दिखाना है या कैसे शूट करना है उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ जो भी मैं कर रही हूँ या मतलब कि करती हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 आप लोग उसे, अगर हो तो मुझे बताना कि इसे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। और मेरा चिकू वाला भी तो गुड नाइट होना चाहिए ना, तो ये मेरे चिकू बेटा की तरफ से आप सबको प्यारा सा गुड नाइट, चाचा।